नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। आइए आज आपको जानकारी देते हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी जुझारू कर्मठ और ईमानदार आईएएस अफसर के बारे में, जो न केवल अपने तेवर के लिए चर्चित रही बल्कि उन्होंने जनता के पैसों को लेकर और उसकी तबाही को लेकर, बर्बादी को लेकर कई बार अफसरों को कटघरे में खड़ा किया। जी हां, इनका नाम है बी चंद्रकला। बी चंद्रकला एक ऐसी महिला आईएएस अधिकारी रही है जो उत्तर प्रदेश में बेहद चर्चित रही और उनके तेवर देखने लायक थे। मसलन, सड़क अगर उखड़ गई है तो वे चिल्लाकर कहती थी, ये सड़क कैसे उखड़ी, इतनी जल्दी उखड़ कैसे सकती है, जनता का पैसा है तो मैं जेल भेज दूंगी। और इसके अलावा उन्होंने कई बार ट्रैफिक उल्लंघन पर भी सड़कों पर खड़े होकर लोगों को डांटा। सबसे बड़ा एक दिलचस्प किस्सा तो ये हुआ कि जब उनके पास कोई सेल्फी लेने एक युवक आया तो उस युवक को उन्होंने तुरंत जेल भिजवा दिया। जब यह पूरा मामला अखबारों के पास गया तो मीडिया से एक पत्रकार द्वारा चंद्रकला को फोन किया गया। चंद्रकला ने जो जवाब दिए वे न केवल दिलचस्प थे, चौंकाने वाले थे, बल्कि मीडिया के रिपोर्टर को उन्होंने खुद ने कटघरे में खड़ा कर दिया। डीएम ने कहा कि तुम्हारी माँ बहन के साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए क्या किसी अनजान युवक को भेज दूं? और इसी तरह से उन्होंने यह भी कहा कि क्या तुम्हारी बीबी के साथ कोई अनजान व्यक्ति सेल्फी ले सकता है? और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी समझाते हुए उन्होंने पत्रकार से कहा कि तुम अपनी हद में रहो। इसके अलावा इस खबर को छापने वाले एक रिपोर्टर को भी जेल भेज दिया गया। बाद में पत्रकारों द्वारा जबरदस्त आंदोलन किया गया। चंद्रकला के साथ एक और बात यह भी जुड़ी हुई है कि जब वे मेरठ की कलेक्टर थी तब साक्षी महाराज के खिलाफ उन्होंने एक मामले में कार्रवाई की थी। साक्षी महाराज के एक विवादित बयान को लेकर उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो तुरंत चंद्रकला का तबादला कर दिया गया। यह तबादला बेहद चर्चा का विषय बना और सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर पोस्ट लिखी जाने लगी और यह कहा जाने लगा कि कानून का पालन कराने वाली चंद्रकला को मेरठ से वापस भेज दिया गया। यह भी लिखा गया कि प्रदेश की सबसे जाबाज और दिलेर अफसर चंद्रकला को उनके अच्छे कामों की सजा दी जा रही है आदित्यनाथ सरकार द्वारा। लेकिन अब आज पूरा मंजर बदला हुआ है। आज भी चंद्रकला खुद सीबीआई के घेरे में है और उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने खनन के मामले में जो ई टेंडर के नियम होते थे उनको अनदेखा करते हुए और गलत आवंटन किए हैं। इसी मामले में आज उनके आवास पर छापा पड़ा है और यह मामला भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है।